अपने नेताओं को ये कहते सुना होगा पाकिस्तान चले जाओ। गिरिराज सिंह का तो इस बयान पर एक तरह से कॉपीराइट है, लेकिन देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी अदालत को ये कहना पड़ा हो कि पाकिस्तान चले जाओ। पूरी कहानी शरारती हसन से जुड़ी है, जो 10 साल पहले यानी साल 2014 में स्टूडेंट वीजा पर भारत आया था। यानी यहाँ आकर से पढ़ाई करनी थी, नौकरी मिल जाती तो करता, वरना वापस अपने देश लौट जाता। पर उसने एक साल के भीतर ही नया खेल कर दिया। साल 2015 में अपनी पत्नी को मेडिकल वीजा पर हिंदुस्तान बुला लिया। इस तरह के वीजा की टाइमिंग 2 साल, 3 साल या 4 साल होती है। इस हिसाब से एक वीजा 2015 में खत्म हुआ तो दूसरे का 2017 में। लेकिन बावजूद इसके दोनों ने भारत नहीं छोड़ा। जब पुणे पुलिस ने कहा कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो उन्होंने सहानुभूति कार्ड खेलना शुरू कर दिया। हसन और उसकी पत्नी ने कहा, हमारे देश यमन में हालात ठीक नहीं है, वहाँ एक दशक से गृह युद्ध के हालात है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, ऐसे में हमारे लिए वहाँ लौटना ठीक नहीं, जब तक ऑस्ट्रेलिया का वीजा में नहीं मिल जाता, प्लीज यहाँ रहने दीजिए। हसन की ये बातें सुनने में भावुक करने वाली लगती है, लेकिन देश भावुकता से नहीं चलता जनाब, और न ही अदालत भावुक बातें सुनकर फैसला सुनाती है। इसीलिए जैसे ही मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा, कहानी पलट गई। जस्टिस रेवती मोहित डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद कहा, आप भारत के उदारवादी रवैये का अनुचित फायदा ना उठाएं, आप पाकिस्तान या फिर किसी और खाड़ी मुल्क में जा सकते हैं, वहां जाकर शरण ले सकते हैं। सुनवाई के दौरान पुणे पुलिस की ओर से पेश वकील ने भी ये तर्क दिया कि शरणार्थी कार्ड स्वीकार करने वाले दुनिया के 129 देशों में से किसी में भी ये लोग जाकर रह सकते हैं, वहां रहने की अपील कर सकते हैं। भारत में पहले से ही शरणार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि पूरा सिस्टम परेशान है। आप ये जानकर शायद हैरत में पड़ जाएंगे कि हिंदुस्तान की ज्यादातर आबादी को उसका हक इसीलिए ठीक से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारा ध्यान शरणार्थियों पर ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था यानी UNHCR के आंकड़े बताते हैं कि 31 जनवरी 2022 तक 46,000 से ज्यादा शरणार्थी और शरण चाहने वाले UNHCR भारत के साथ पंजीकृत हैं। इसमें मुख्यतः म्यांमार और अफगानिस्तान से, जिनमें 46% शरणार्थी महिलाएं और लड़कियां हैं और 36% बच्चे हैं। लेकिन ये संख्या इससे कई गुणा ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से अलग अलग जगहों से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के डॉक्यूमेंट बरामद हो रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और उनसे जुड़े राज खुल रहे हैं, वो साफ इस ओर इशारा करते हैं कि भारत में शरणार्थियों की संख्या का सही रिकॉर्ड शायद सरकार के पास भी नहीं है। क्योंकि कौन आपके यहाँ आकर फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर रहने लग रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? हमारे ही देश के कुछ लोग चंद पैसों की खातिर दूसरे देश के लोगों को अपने यहाँ बसा रहे हैं, जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि शरणार्थियों को शरणार्थी की तरह ही रखना होगा, इन्हें नागरिक बनाकर नहीं रखा जा सकता। हसन जैसे लोग अगर कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं, तो समझिए कि उन्हें यहां कितना सुकून मिल रहा है। इंसानियत के नाते मदद सबकी होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का नियम भी यही कहता है कि मदद मिलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि मदद के नाम पर अपने ही लोग परेशान होते रहे। शायद इसीलिए मोदी सरकार CAA और NRC लेकर आई, ताकि सबकी पहचान हो सके। लेकिन कुछ लोगों ने इस मुद्दे पर सियासत शुरू कर दी। अब हसन जैसे लोगों को, जिन्हें हाई कोर्ट के जज साहब भी यही सलाह दे रहे हैं कि पाकिस्तान या कहीं और चले जाओ, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।